हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 77, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज थ्राइस ट्वाइस द थर्ड द फर्स्ट नंबर इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तीन नंबर है उसका एवरेज 77 है, जो पहला नंबर है वो दुगना है सेकंड से और जो दूसरा नंबर है वो दुगना है थर्ड से। तो कहता है कि फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करिए। तो जो थर्ड नंबर होगा वो मान लीजिए कि अगर हम मान लिया कि एक्स है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर दुगना होगा थर्ड से, मीन्स 2x होगा। उसी तरीके से जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर दुगना है सेकेंड नंबर के, 2 into 2x that is equal to 4x हो जाएगा। हमें फर्दर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन तीनों का जो एवरेज है वो है 77। तो x प्लस 2x प्लस 4x इनका जो सम तीनों नंबर का आएगा वो होगा 77 into 3। ठीक, यहाँ पे जब हम वैल्यूज ऐड करेंगे x के टर्म्स में तो 4 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7x, वो कितने के बराबर हो जाएगा? 77 इंटू 3 के। और x की वैल्यू आ जाएगी 77 इंटू 3 बाई 7, 7 से ये 77 सिंप्लीफाई होगा तो 1 11 आएगा। x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 33। हमसे पूछता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो बताओ, फर्स्ट नंबर क्या है? वो है 4x। इट मीन्स x की जगह पे हम अगर 33 रख दें तो हमें 4x की वैल्यू आएगी, 4 into x that is equal to 4 into 33। तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो सही है वो कितना है? 132 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो है ऑप्शन 4।